नमस्कार विद्यार्थियों, आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने हूँ और आपको आपकी जितनी मैं मदद कर सकती हूँ, जितना आपको ज्ञान बांट सकूँ, वो मेरी खुशनसीबी होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है बेसिकली मेडिकल फील्ड, मेडिकल स्वास्थ्य। स्वास्थ्य सबसे ज्यादा इस वक्त इम्पॉर्टेंट चीज है। आज आप लोग देख रहे हैं कि आपके चारों तरफ कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखी है। हमारे जो आगे का जीवन है वो कहलाएगा, अगर आप देखेंगे कुछ सालों बाद, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद। तो कोरोना से पहले हमने स्वास्थ्य की इम्पोर्टेंस हमने समझी ही नहीं, और आज हम ये कहते हैं कि स्वास्थ्य में जितने लोगों की जरूरत है वो हमारे पास लोग नहीं है उतने। तो आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्वास्थ्य में आप क्या, मेडिकल फील्ड में, पैरामेडिकल फील्ड में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे देश में जब कोई बच्चा साइंस में PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा होता है तो सीधे लोग सोचते हैं कि इसको तो डॉक्टर बनना चाहिए। पर सबको ये समझ में आना चाहिए कि मोटा मोटा 56,000 सीट हैं मेडिकल स्टडीज MBBS के लिए, और आपके 12-13 लाख या 14 लाख बच्चे हर साल बैठते हैं, तो रेस्ट का क्या होगा। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि अगर आपको बायोलॉजी पसंद है तो सिर्फ मेडिकल आप डॉक्टर ही बन सकते हैं, आप बहुत कुछ और बन सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो आपका पोर्टल है उस पर हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें आप ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए अवेलेबल हैं और इनमें बहुत ज्यादा स्कोप भी है। तो आज चलिए हम आपसे शेयर कर रहे हैं अपनी ये पोर्टल जो राजस्थान आपका करियर पोर्टल है। पहले ही आपको कुछ सेशंस में सिखा दिया गया था कि कैसे आप समझ सकें कि कहां ये कैसे इसमें लॉगिन किया जाता है। तो पहली चीज, ऊपर आप जानकारी केंद्र में लॉगिन करने के बाद जानकारी केंद्र को क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाता है। फिर आप जो है करियर संबंधी जानकारी का करेंगे। करियर संबंधी जानकारी में अगर हम प्रोफेशनल साइड लें तो पहली चीज हम क्लिक करते हैं अलाइड मेडिकल साइंस। अलाइड मेडिकल साइंसेस में जो हॉस्पिटल्स में लोगों की जरूरत होती है डॉक्टर्स के अलावा, वो सारे करियर्स, करियर मतलब जो आप जिंदगी भर करेंगे काम जिससे आपको एक आय होगी, आय मतलब पैसा मिलेगा। तो सबसे बड़ी पहली चीज जो अगर आप देखें, जैसे कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, तो आज के दिन पर जहां अगर हार्ट हॉस्पिटल है तो सिर्फ एक डॉक्टर की ही जरूरत नहीं होती है, आपको जरूरत उस हॉस्पिटल को जरूरत होगी, लोगों को ठीक होने के लिए जरूरत होगी कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट की। नाउ ये क्या करता है, तो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, हमने इसको क्लिक किया और ये आ गया आपका। ये देखिए, कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मतलब ये बहुत पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपके मशीनरी जो होती है जैसे मैनेज करते, जिससे कि आपका सारी हार्ट की प्रॉब्लम्स ठीक की जाती हैं, उसके लिए जितनी भी आपका इक्विपमेंट होता है, जितनी मशीनरी होती है, वो सारा वो चलाते हैं और मैनेज करते हैं, सारे लैबोरेटरी के इंस्ट्रूमेंट्स मॉनिटर करते हैं, फिर उसके बाद पेशेंट्स मतलब जो बीमार है उसकी कंडीशन को समझते हैं और डॉक्टर को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसको हार्ट डिजीज है नहीं है, आप आके देखिए, ये है मशीनरी से रिजल्ट जो निकले हैं। तो अगर जैसे आप अगर इसमें जाना चाहें तो क्लास 10 में आप सब्जेक्ट्स साइंस मैथ्स 11-12 साइंस स्ट्रीम विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिर BSc इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी या कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी और सिमिलर बिकम अ कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट। सो इनकी डिमांड बहुत है, मैं आपको बता रही हूँ। काफी डॉक्टरों को जिनको मैं जानती हूँ दिल्ली शहर में,
वो भी ये कहते हैं कि हमें अच्छे कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट मिलते ही नहीं है, स्पेशली जब कार्डियक सर्जरी होती है, जो हार्ट की दिल की सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा जिसे कहते हैं, तो सर्जन्स को इनका साथ की जरूरत होती है, इनके सपोर्ट की जरूरत होती है। अच्छा, अच्छे इंस्टीट्यूट कौन से हैं? जैसे एम्स है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली है, फिर आपका पौंडीचेरी में है, फिर पीजीआई है, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं, तो आप इस तरह से बन सकते हैं। और अगर आपको पता लगाना है कि राजस्थान स्टेट में कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑफर कर रहे हैं, तो आप कॉलेज विश्वविद्यालय खोजें, इसको आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए आपको ये मिल जाते हैं कॉलेजेस। अब जैसे ये है मेवाड़ यूनिवर्सिटी चित्तौड़गढ़, बीएससी कार्डियक केयर, ये देखिए आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी ये है। फिर आ जाता है आपका दूसरी यूनिवर्सिटी गीतांजलि यूनिवर्सिटी उदयपुर। इसके अलावा देश भर में बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं जहां पर कार्डियक टेक्नोलॉजिस्ट या कार्डियक केयर स्पेशलिस्ट की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बहुत मिलेंगी। इसी तरह से आपके डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं। डायलिसिस कौन होता है ना, आपको समझना पड़ेगा कि भाई डायलिसिस होता है जब किडनी खराब हो जाती है, तो डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो उनका करता है डायलिसिस, या मतलब आपके खून की सफाई होती है। तो ये क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं और ऑपरेट करते हैं डायलिसिस मशीन्स को, ताकि वो खून की गंदगी को हटा करके, जो कि किडनी काम करती है और किडनी नहीं कर पा रही होती है, तो वो काम करते हैं। तो बेसिकली इनकी भी डिमांड बहुत है, क्योंकि हमारे देश में किडनी प्रॉब्लम्स, स्पेशली डायबिटीज जिनको होती है, तो लॉन्ग टर्म जिनको डायबिटीज होती है, तो उनको चांस है कि वो उनको किडनी की प्रॉब्लम हो जाए और डायलिसिस पर जाना पड़े। तो अगर आप ऐसे अपने प्रदेश में देखें, तो आपके प्रदेश में इस वक्त तो नहीं है, पर हाँ पूरे देश में आपको जरूर मिल जाएंगे ये कॉलेजेस। ठीक है, फिर आता है आपका, एक सेकंड रुकिए, मैं फिर भी आपको एक बार दिखा देती हूँ, अगर उसमें नहीं आया है तो ये देखिए, हरियाणा में बीएससी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना, बीएससी डायलिसिस थेरेपी। तो ये सारी डिग्री कॉलेजेस होते हैं और डिग्री कोर्स होते हैं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा अगर आप इस तरह की टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज करें। तो अगर आप देखिए, तो ये साइट में आपको पूरा, जब आपने खोला था अलाइड मेडिकल, तो आपके पास इतनी सारी चीजें, ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट। अब न्यूक्लियर मेडिसिन होता है जो कैंसर के क्योर के लिए होता है, तो ये आप समझिए कितना इसमें स्कोप है, जो एक आम आदमी इस बारे में जानता तक नहीं। और ये पोर्टल आपको सारा ज्ञान दे रहा है, सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, देखिए कितनी सारी चीजें हैं जो आप पहले जानते भी नहीं थे। तो ठीक है, आगे हम चलते हैं इसमें, चलिए कि हम फिर से इसमें जाते हैं जानकारी केंद्र में और करियर संबंधी जानकारी में जाते हैं। ठीक है, तो करियर संबंधी जानकारी में आप ये देखिए, अलाइड मेडिकल था, अब मेडिकल में हम लोग चलते हैं, मेडिकल साइंसेस में। इसमें देखिए, इसमें डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या और चीजें होती हैं, डॉक्टर के जो हैं आप बन जाते हैं, और इसमें कैसे, इसमें ये भी है कि आप वेटरनरी मतलब जानवरों के डॉक्टर भी बन सकते हैं। फिर होता है डेंटिस्ट, दांतों के डॉक्टर भी हो सकते हैं, तो स्कोप की कोई कमी नहीं है। फिर होम्योपैथी होता है, आयुर्वेदा होता है, यूनानी होता है, और फिजियोथेरेपी भी होती है। फिजियोथेरेपी के बारे में आपको पढ़ना जरूर चाहिए,
मैं आपको अभी फिजियोथेरेपी के बारे में भी बताना चाहूंगी, ये अलाइड में आता है, मेरे से रह गया, मेरे को अभी याद आया, उसके बारे में तो आपको जरूर जरूर समझना चाहिए, क्योंकि आज के दिन पर हम लोगों को अपने जो हमारी बोन्स होती है, हमारी हड्डियां होती हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर वो आती हैं तो फिर हम कैसे उनको सही कर सकते हैं? तो ये देखिए, पोषण विज्ञान, नर्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आयुर्वेदिक क्लिनिक रिसर्च एसोसिएट, कार्डियोलॉजिस्ट, रिहैबिलिटेशन, सिद्धा, एक सेकेंड मैं डाल के देख लेती हूँ, अगर आपको नहीं मिलता है तो फिजियोथेरेपी आप डाल सकते हैं। ये देखिए फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। अलाइड फिजियोथेरेपी में ही आता है। इसमें ये बेसिकली होता है कि फिजियोथेरेपी इंसानों के मस्कुलर स्केलेटल, मतलब आपके हड्डी और मसल्स दोनों के जो जोड़ होते हैं, दर्द होते हैं, उसमें खराबी और छुटकारा दिलाने के लिए फिजिकल थेरेपी कराते हैं, ज्यादातर मसाज और हल्के शारीरिक व्यायाम, प्लस उनके पास कोई मशीनें भी होती हैं जिससे कि वो आपको फिजियोथेरेपी कराते हैं, जिससे कि आपके हड्डियों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये सब आपको आप कर सकते हैं, और फिजियोथेरेपी, होम्योपैथी, डेंटिस्ट्री, वेटरनरी साइंस, मतलब जानवर के डॉक्टर, ये सब का एंट्रेंस एग्जाम के बारे में अगर आप जानना चाहें तो आपको यहाँ पर जाना चाहिए, जानकारी केंद्र, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी। अब नीट होता है आपके, ये देखिए नीट के थ्रू, ये देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम। अब अगर नीट देखें तो इसमें जो है, आप इसके बारे में कैसे होता है, क्या होता है, कब फॉर्म भरना, ये सारा आपको इसके बारे में पता चल जाता है, सारा ज्ञान यही मिल जाता है। और इसके थ्रू आपका क्या क्या होता है, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीबीएस होता है डॉक्टर, बीडीएस होता है आपका दांतों का डॉक्टर, फिर होता है होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, फिजियोथेरेपी और उसके अलावा वेटरनरी साइंसेस। ये सब नीट के ही थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा, सारे कॉलेजेस का हिंदुस्तान में एक एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, ऐसे जैसे हम कह रहे थे ये तो हमने पूरा कर लिया इसको, फिर आता है मेडिकल साइंसेस। इसमें ये देखिए आपके पास बहुत से हैं, मेडिकल साइंसेस में भी आप जा सकते हैं, पर ये स्पेशलाइजेशंस होते हैं, और स्पेशलाइजेशन होता है जब आप एमबीबीएस करके और एमडी या एमएस करते हैं, या तो फिजिशियन बनते हैं या सर्जन बनते हैं। फिजिशियन होते हैं जो आपको बिना सर्जरी के सिर्फ दवाइयों से ठीक करते हैं, और जो सर्जरी होती है वो शल्य चिकित्सा होती है, वो ऑपरेशंस करके आपको स्वस्थ बनाते हैं, ठीक है। फिर आता है कि अगर आप इन सब में नहीं, आपको लगता है कि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते और आपके पास अर्थव्यवस्था भी आपकी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इसमें फिर अलाइड में ही आपको जाना चाहिए, बिकॉज आपको हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इन सब चीजों के ऊपर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप देखिए नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी क्या है, हमारा जो पुराना ज्ञान होता था हमारे शास्त्रों में था कि नेचुरल चीजें जो आपकी जड़ी बूटियां होती हैं और जीवन का जीने का ढंग जैसा होता है, उसको बदल के आप कैसे ठीक हो सकते हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में, बड़े हॉस्पिटल्स में भी लोग नेचुरोपैथी भी करते हैं, साथ साथ में रेगुलर दवा भी खाते हैं। फिर उसके अलावा ऑर्थोपीडिक टेक्नोलॉजिस्ट, मतलब अगर आपके हड्डियों में प्रॉब्लम है, अब ऑर्थोपीडिक टेक्नोलॉजिस्ट क्या करता है, ऑर्थोपीडिक मतलब हड्डी का डॉक्टर जो होता है ऑर्थोपीडिक, अगर आप देखें तो ऑर्थोपीडिक टेक्नोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु मैनेज ऑपरेट वेरियस मेडिकल इक्विपमेंट्स।
आपकी सारी मशीनें वो मैनेज करते हैं, वो मशीनों से पता लगाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन सी बीमारी है, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स वो असिस्ट करते हैं सर्जन्स और फिजिशियन को। अगर आपका नी रिस्प्लेसमेंट मतलब आपकी जो घुटना है वो खराब हो जाता है, आज के दिन पर आपने सुना होगा नी रिप्लेसमेंट कि नया घुटना लगा दिया जाता है, हड्डी जो घुटने की है वो बदल दी जाती है, कार्टिलेज बदल दी जाती है। तो वो जब बदलते हैं तो उस वक्त जो मशीन जिसके थ्रू देखते हैं कि कहाँ जा रहा है, कहाँ से हमें निकालना है खराब वाली हड्डी और आर्टिफिशियल हड्डी अंदर लगानी है, वो सब काम ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट करता है। फिर आता है आपका हेल्थ साइकोलॉजिस्ट। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है आपके? हेल्थ साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जिसे मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, स्ट्रेस मतलब आपको टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है, तो खुल जाए फिर मैं बताती हूँ। सो मानसिक टेक्नोलॉजिस्ट जो होता है वो बेसिकली आपकी बिहेवियर में प्रॉब्लम्स होती हैं। आप की अगर जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए उसकी वजह से आप मानसिक रूप से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो वो सब दूर करने के लिए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। फिर आता है आपका जेरियाट्रिक केयर। जेरियाट्रिक केयर होता है बुढ़ापे में जो केयर देना पड़ता है। बुढ़ापे में जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी हो, पर सिर्फ बुढ़ापे की वजह से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि हड्डियां वीक हो जाती हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है, आपके घुटनों में प्रॉब्लम होती है। तो जेरियाट्रिक केयर टेक्नोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपके सारा जो इक्विपमेंट होता है डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट ऑफ पीपल हु आर जो 65 साल से ऊपर के, 65 साल से ऊपर के लोगों को जेरियाट्रिक टेक्नोलॉजिस्ट, जेरियाट्रिक केयर टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। फिर आता है इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट। इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं आपके, इनका ये है देखिए कि आप जो हैं जैसे किसी को सडनली हार्ट अटैक हो जाए या एक्सीडेंट हो जाए या ब्रेन हैमरेज हो जाए, मतलब सर में एकदम खून का दबाव बहुत तेज हो जाए और खून की नस फट जाए, तब एकदम से तबीयत खराब होती है और जन्म और मृत्यु के बीच में इंसान लटक जाता है, तब उस वक्त उसकी जो इमीडिएट केयर होती है वो ये लोग करते हैं। और इनको कहा कोर्स करना पड़ता है बायोलॉजी बीएससी इन एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। ये लोग इमरजेंसी रूम में काम करते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में। सबसे पहले जब बीमार सडनली होता है कोई इंसान, वो सीधे हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम में ही जाता है। इस तरह से बहुत से आपके पास अलग अलग हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, नेचुरोपैथ, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसाइंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन। जैसे कैंसर हो जाता है लोगों को, तो न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कि कीमोथेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ये लोग जो हैं ये बहुत जरूरी है जब आपको किसी कैंसर पेशेंट का इलाज करवाना होता है। फिर ऑपरेटिंग थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ये लोग जो हैं आपके सारे जो डॉक्टर्स होते हैं जब सर्जरी करते हैं तो इनको खड़ा होना पड़ता है एनेस्थेटिस्ट के साथ। एनेस्थेटिस्ट कौन होता है? वो होता है जो इंसान को जिसका ऑपरेशन होना है, जिसकी शल्य चिकित्सा होनी है, वो उसको बेहोश कर देता है। और जब वो उसको बेहोश करता है तो वो जो है उस चीज को मॉनिटर करता है कि इंसान की हार्ट बीट सही चल रही है, मतलब कि दिल की धड़कन सही चल रही है, वो सांस ठीक से ले रहा है। मशीन जो है उसमें वो कॉन्स्टेंटली लगातार वो चेक करता रहता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आता है ऑर्थोडोंटिक्स, डॉन्टिस्ट एंड प्रोस्थेटिक्स। जैसे आपके होते ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, जैसे किसी बच्चे के या किसी भी इंसान के दांत बाहर निकल रहे होते हैं, तो वो बाहर निकलते हुए दांतों में
तार बांधने का काम, तार कौन तैयार करता है, ऑर्थोडॉन्टिस्ट या प्रोस्थेटिस्ट, ये लोग जो होते हैं बेसिकली आपके जैसे डेंचर होता है, किसी के सारे दांत टूट जाए तो डेंचर बना के जो है दांत लगा देते हैं मुंह में। फिर पीडियाट्रिक सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट, ये बच्चों की सर्जरी के टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो सर्जन के साथ काम करते हैं। देन परफ्यूशनिस्ट, परफ्यूशनिस्ट होते हैं जो कि खून चढ़ाते हैं, खून का सारा काम करते हैं, अगर खून निकालना भी होता है तो वो निकाल करके, जो जब खून कोई उसका दान करता है, रक्त दान करता है, तो वो निकाल करके उसकी सफाई, जो भी उसका प्रोसेस होता है उसको करने के बाद जब वो चढ़ाया जाता है तो वो परफ्यूशनिस्ट होते हैं। पब्लिक हेल्थ फिजिशियन, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, कि आपके जैसे आजकल के दिन पर कोरोना वायरस हो रही है तो ये पब्लिक हेल्थ फिजिशियन, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट वो लोग होते हैं बेसिकली जो ये देखते हैं कि आपके समाज में कोई बीमारी कैसे फैल रही है, क्यों फैल रही है, उसका कारण क्या है और हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो वो लोग रोकते हैं, ये जो बीमारी फैलती है उसको रोकने का काम करते हैं, लोगों को बताते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि आप हेल्दी बिहेवियर का है, जैसे आजकल जो है उनका यही काम होगा कि लोगों को जा करके गांव से गांव, शहरों में भी मीटिंग्स कर रहे होंगे, लोगों से उनको बता रहे होंगे कि भाई आप लोग अपने लोगों को जाके समझाइए कि आप जो है बिना मास्क या ग्लव्स के बिना कहीं ना जाएं, एक दूसरे से बात करें तो 1 मीटर दूर या 6 फीट दूर से आप बात करिए। इसी तरह से रिहैबिलिटेशन थेरेपिस्ट, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने वाला, सिद्धा प्रैक्टिशनर, यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट जी टेक्नोलॉजिस्ट, ये होते हैं जो आपके किडनी की प्रॉब्लम, डायलिसिस के साथ साथ इनको भी होना पड़ता है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। एक्यूपेशनल थेरेपिस्ट मतलब कि जब कोई आप जो है किसी मानसिक बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, वो काम ना कर पा रहा हो, वो पढ़ाई ना कर पा रहा हो, तो उसको कैसे उसका दिमाग ऐसे करे कि उसको काम करने में मजा आए, वो माहौल, सही माहौल क्रिएट कर सके ताकि बच्चा दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से उसका विकास हो और वो जो है एक बैलेंस्ड इंसान निकले बड़े होकर के। फिर आता है आपका ऑडियोलॉजिस्ट, सुनने की, जिनको जो सुन नहीं पाते हैं, जो शायद किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं सुन पाते हैं, उनके अंदर ईयर में, कान में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या इन्फेक्शन से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या वो जब वो पैदा हुए थे पैदाइशी उनको सुन नहीं सकते हैं तो वो बोल भी नहीं पाते, जब वो सुन नहीं पाते हैं तो बोलना नहीं सीखते हैं। तो ये ऑडियो जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं वो उनको बोलना भी सिखाते हैं, उनको थेरेपी देते हैं ताकि वो समझ सकें, बोल सकें। ऑडियोलॉजिस्ट वो भी काम करते हैं जैसे कि अगर किसी बच्चे के या किसी इंसान के एक एक चीज नई शुरू हुई है, एक हियरिंग एड जब लगता है तो वो कैसे उनको सुन करके और बोल सके। फिर उसके अलावा एक चीज है जैसे अब निकल आई है, उसको कहते हैं कॉकलियर इम्प्लांट। कॉकलियर इम्प्लांट एक चीज है, सर्जरी करके कान में पीछे लगा देते हैं तो उसके बाद जब वो लगाते हैं तो जिसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है उसको थोड़ा सुनने आने लगता है, तो उसको फिर वो बोलना सिखाते हैं, उसको सुनना सिखाते हैं, उसको समझना सिखाते हैं। फिर होता है क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट। क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट वो होते हैं जैसे आजकल वैक्सीन, कोरोना के लिए वैक्सीन ढूंढी जा रही है, वैक्सीन वो टीका होगी जिससे कि अगर लगा दिया जाएगा तो हमको कोरोना नहीं होगा, तो अगर ये निकल आती है तो इसके साथ साथ लैब में जब रिसर्च चल रही है, रिसर्च के साथ साथ जो आपके डॉक्टर हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको साथ साथ ये भी काम करते हैं, इनके बिना नहीं काम हो सकता है, क्योंकि बेसिक काम कि आपके अगर जैसे लैब में वो होती हैं आपकी स्लाइड्स होती हैं, वो कैसे बनेंगी, सफाई कैसे होगी, आपका मेडिकल सारा मैनेज करना, सारा इक्विपमेंट को और सारा रिसर्च निकाल करके देना, ये सब काम जो है एक क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट ही करता है।
फिर उसके अलावा आपके नर्स, नर्सिंग का इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है और बहुत कमी हो रही है नर्सिंग, नर्सेस की, चाहे वो लड़की गर्ल नर्सेस हो या मेल नर्सेस हो। आपको पता है इस वक्त देश जैसे कनाडा और अमेरिका में पिछले इतने सालों में अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं और आप बहुत अच्छे नर्स हैं और आप बीएससी और एमएससी किसी स्पेशलाइजेशन में कर लें कि आप जाके नर्सिंग कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन की उसमें कर लें, ऑपरेटिंग थिएटर नर्स बन जाएं, तो आपकी बहुत डिमांड है और इस देश में भी आपकी बहुत डिमांड है। फिर होता है पोषण विज्ञान, मतलब डाइटिशियन, कि हमको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे कैसा खाना देना चाहिए, अगर किसी को कैंसर है तो उसको कैसे खाना उसका पोषण होना चाहिए, अगर किसी, तो ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। ये सब प्रोफाइल्स आपको समझनी चाहिए, इसके बारे में आके आप पढ़िए और समझिए, और अगर आपको पसंद आती है तो आप इसके लिए पढ़ाई करके और अप्लाई करिए 12वीं के बाद। फिर आता है फिजियोथेरेपिस्ट, हमने फिजियोथेरेपी के बारे में आपको बताया ही है कि हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस होती है, इन सबको वो जो है फिजिकल थेरेपी करके और ठीक करते हैं। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, ये हमने पहले ही आपको समझा दिया था। यूनानी डॉक्टर, पुराने ढंग का जो यूनानी डॉक्टरी होती थी वो भी आप कर सकते हैं। फिर आता है रेडियोलॉजी, जैसे आपके एक्सरे होते हैं, सीटी स्कैन होता है, ये सब जो होते हैं आपके यही लोग करते हैं, कोई डॉक्टर नहीं करता है, करने वाले यही होते हैं, मशीन को सबसे ज्यादा यही समझते हैं, मशीन की मेंटेनेंस भी करते हैं और मशीन की उसके अलावा ये जो है इस्तेमाल भी करते हैं पेशेंट का, मतलब जो बीमार है उसकी सारी जैसे एक्सरे लेकर के डॉक्टर को यही देते हैं। फिर आता है स्पीच थेरेपिस्ट, जैसे मैंने कहा सुनने में प्रॉब्लम है और किसी किसी को सुनने में ना भी प्रॉब्लम हो फिर भी वो गलत बोलते हैं, जैसे र नहीं बोल पाते, ल नहीं बोल पाते, श नहीं बोल पाते, तो इनको भी, इनके ऊपर लोग हंसते हैं बड़े होकर के, आपके करियर में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बच्चों को इनके पास लेके जाया जाता है ताकि इन्हें बोलना सही से सिखा सके। फिर आपका आता है होम्योपैथी, होम्योपैथिक डॉक्टर आप सब समझते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी चीज है स्पेशली आपके मेडिकल साइंस में। आज के दिन पर होम्योपैथी से बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी अच्छी चीज होम्योपैथी की है कि इसमें कोई भी चीज का साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसका कोई गलत एक रिजल्ट नहीं आता है, चाहे वो बहुत अच्छा असर ना भी कर, और लंबी बीमारियों के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छी समझी जाती है। फिर आते हैं, ये सब तो प्रोफेशनल करियर थे, फिर आते हैं वोकेशनल। अगर आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं अच्छे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है स्वास्थ्य देखभाल में नहीं जा सकते। तो अगर हम स्वास्थ्य देखभाल में जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, तो आपका है जैसे एल्डरली केयर गिवर, मतलब बुढ़ों की सेवा कैसे की जाए, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, फिर एक्सरे टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ऑडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री मतलब चश्मा जो बनाते हैं आपका वो, कार्डियक केयर मतलब हार्ट का, पर ये टेक्नोलॉजिस्ट से कम होते हैं, डिप्लोमा होल्डर वो होते हैं, डिग्री होल्डर ये होते हैं, डिप्लोमा होल्डर वो, सब चीजें जो कि डिग्री होल्डर होते हैं वही चीज आपके डिप्लोमा होल्डर्स भी होते हैं, ठीक है। तो इन सब में आपके पास इतना स्कोप है आज के दिन पर मेडिकल फील्ड में कि आगे के दिनों में आपकी डिमांड आपको हाथों हाथ लिया जाएगा अगर ये सब चीजों में से आप कोई भी चीज अच्छे से करें, उस काम को अच्छे से सीखें और अपनी बोलचाल और अपना नजरिया अच्छा रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, बोलने का नजरिया अच्छा रखें और अच्छा रखें तो आपका जरूर आपको तो अच्छा करियर होगा। करियर का मतलब आप समझते हैं
कि आजीवन जो आजीविका आपकी होगी, आजीविका मतलब जो जीने के लिए आपको काम करना पड़ेगा कमाने के लिए, वो आपके हाथ में सदा रहेगी और कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब जो है हम इसके बाद आपसे चाहेंगे, अगर आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहें तो जरूर पूछ सकते। यस मैम, मैम क्वेश्चंस आपके व्हाट्सएप पे ओके मैं देख रही हूँ। राजेश कलावत जी का एक प्रश्न आया है कि उनको डॉक्टर बनना है और 9th में हूँ, आगे क्या करूँ, प्लीज मुझे गाइड करें। तो ऐसे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको 9th और 10th, पहली चीज आपकी साइंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। 10th में तो आपको, अगर CBSE में या ICSE में है तो आपके सारे सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। 11th में आकर के आप चूज कर सकते हैं, तो आपको 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, जैसे अंग्रेजी या हिंदी, जो भी आप, यूजुअली अंग्रेजी ही होता है CBSE में तो, और उसके अलावा PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और 5वां सब्जेक्ट आप कोई हल्का सब्जेक्ट ले लीजिए जिसकी वजह से आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े, आपके ऊपर ज्यादा जोर ना पड़े और आप उसे बहुत अच्छे से पढ़ सकें। अगर आपके 10वीं में साइंस में 85-90% मार्क्स नहीं आते हैं, तो आप ये समझ लीजिए आपके लिए मेडिसिन में जाना काफी मुश्किल चीज हो जाएगी, क्योंकि जो लेवल आपका 10th में होता है पढ़ाई का, उससे 5-7 गुना ज्यादा कठिन होता है 11th और 12th में। तो आप 11th और 12th करते करते नीट की तैयारी करिए, एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने आपको पहले ही समझाया था, नीट तैयारी करते करते साथ में, फिर उसके बाद 12वीं का इम्तहान देते देते नीट दीजिए। अगर पहली बार में आपका नीट में नहीं होता है तो एक बार और दीजिएगा, उसके बाद आप प्लीज अपना समय मत बर्बाद करिएगा। मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप बायोकेमिस्ट्री कर लीजिएगा, और बायोकेमिस्ट्री करने के बाद मास्टर्स MSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री करके आप डिप्लोमा या PhD करके पैथोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। तो इसमें आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको कोई भी रास्ते में रोड़ा होगा, आप एक एटलीस्ट एक पैथोलॉजिस्ट तो बन ही सकते हैं। उसके अलावा BSc मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या लाइफ साइंसेस या ये सब करके, एंड मास्टर्स में आप जो हैं मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में चले जाइए, जेनेटिक्स में चले जाइए, आप मेडिकल फील्ड में ही रहेंगे, आप डॉक्टर भी बन जाएंगे, हाँ पेशेंट्स की बजाय आप रोग का इलाज समझेंगे, रोग आप वायरोलॉजिस्ट बन सकते हैं। जैसे आज के दिन पर कोरोना वायरस की वजह से वायरोलॉजिस्ट की बहुत डिमांड है, और आप एक अच्छे डॉक्टर बनके किसी की जिंदगी बता सके। फिर आ रहा है दूसरा प्रश्न है मुकेश पांचाल, एम्स दिल्ली में जाना चाहते हैं। इसके लिए आपको, एज मैंने बता दिया, पहले बहुत मेहनत की जरूरत है, टॉप के ही बच्चे इसमें जा सकते हैं। मेरी एक बात ध्यान रखिएगा, 12वीं, 11वीं और 12वीं का जो पढ़ाई होती है उसको कभी भी छोड़िएगा। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि आप कोचिंग सिर्फ करिए और ये मत करिए, क्या गारंटी है कि आप आ जाएंगे MBBS में या एम्स में आ जाएंगे? तो पहले 11वीं 12वीं में अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये तो है कि आपके पास एक इंश्योरेंस होगा, अगर आपका नहीं भी होता है नीट में तो आप किसी अच्छे कॉलेज से मेडिकल बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री या मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट बन करके कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं इस जीवन। फिर होता है आसिफ खान, इनका भी यही है कि उन्हें डॉक्टरी करनी है, तो 11th में क्या सब्जेक्ट लें? मैंने कहा PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बहुत जरूरी है, उसके अलावा आप जो भी लेना चाहें। महेंद्र भट्टी जी कह रहे हैं
आर्मी क्षेत्र में डॉक्टर किस प्रकार बन सकते हैं? एक तो होता है नीट में जाकर के AFMC पुणे के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ये होता है डायरेक्ट आप मेडिकल डॉक्टर ही वहां से बन करके और सीधे आप आर्मी में चले जाते हैं, आर्मी ही आपकी पढ़ाई कराते हैं और आप वहीं ज्वाइन करते हैं। पर उसके अलावा अगर उस वक्त आपका नहीं होता है AFMC में, तो आप जो हैं कि आप उसके अलावा पहले मेडिकल MBBS करके और फिर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में डायरेक्ट एंट्री होती है वो होती है एंड आप उसमें CDS के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं आर। ठीक है, फिर है पूरन मल जंगित का, मैम सरकारी स्कूल से 12वीं एग्जाम दे रही हैं, सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल एग्जाम फाइट के कितने चांस हैं? वॉश हैंड्स का मतलब एनीवे, सरकारी स्कूल से चांस अगर बच्चों का मेडिसिन में जाने का, आपके लिए कोई रोक नहीं, पढ़ाई आप किस तरह से करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि आप मेडिकल में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, आपकी इनडेप्थ स्टडी कितनी है, 11वीं 12वीं ने आपने कितनी मेहनत की है, ये आप पर डिपेंड करेगा कि आप का मेडिसिन में होगा कि नहीं होगा। फिर है सुफिया बानो रंगरेज, उन्होंने कहा है पैरामेडिकल में ऐसा कौन सा फील्ड है जिसमें हम डॉक्टर के साथ काम कर सकते हैं? मैंने आपको सारे फील्ड्स बता दी, आप सब में टेक्नोलॉजिस्ट अगर बनेंगे, चाहे वो कार्डियक टेक्नोलॉजी हो, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी हो, आपके नेफ्रोलॉजी टेक्नोलॉजी हो या न्यूक्लियर मेडिसिन हो, सब में आप डॉक्टर्स के साथ ही काम करेंगे। आप लोग वेबसाइट पर जाएं, राजस्थान जो पोर्टल है करियर पोर्टल, और उसमें आप लॉगिन करिए, आपको सारा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज्ञान जानकारी मिल जाएगी। फिर है कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट में नीट करनी पड़ती है क्या? नहीं, आपको इसके लिए नीट नहीं करनी पड़ती है, 11वीं और 12वीं में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपका अलग से इम्तहान होगा, हर इंस्टीट्यूट का अलग इम्तहान होता है, अलग क्राइटेरिया होता है, अलग तरीका होता है एडमिशन का, कुछ का सिर्फ मार्क्स पर होता है, कुछ का एंट्रेंस एग्जाम का। फिर है न्यूरोसर्जन, ना न्यूरोसर्जन पहले तो आप MBBS में आए, उसके बाद आप न्यूरोसर्जरी करेंगे ना, MS करेंगे, और MS करने के बाद आपको DM या MCH जो भी आप करेंगे वो डिपेंड करेगा, MCH करेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि आप जो हैं न्यूरोसर्जन बन सकते हैं कि नहीं। फिर आया है मैम रेडियोलॉजी के साथ BSc हो जाएगा क्या? हाँ जी बिल्कुल, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट की बहुत अच्छी पोजिशन है आज के दिन पर, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने बता सकती हूँ कि कुछ डॉक्टर्स, बहुत सीनियर डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ जिनके बड़े हॉस्पिटल्स हैं या वो हेड कर रहे हैं बड़े हॉस्पिटल्स, और कहते हैं कि हमें अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हमारे यहाँ डिमांड की कमी नहीं है, अगर आप चाहें तो आप वो बन सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते। बायो के लिए अभी से क्या पढ़ना शुरू करूं? 9th क्लास में है एक बच्चा, उसने लिखा है, तो मैं ये कहती हूं कि आपको साइंस में अगर जाना है तो पहले दिन जब पहला साइंस का सर सिखाया गया था तब से आप उसमें मेहनत करिए, क्योंकि अगर आप बेसिक्स में अच्छे नहीं होंगे तो बाद में आप कैसे पढ़ सकेंगे। तो वही चीज है कि जब तक आपकी नींव पक्की नहीं होगी तो आप इमारत भी नहीं बना सकते, तो इसीलिए 9th में अगर आप हैं तो आप एक काम करिए, आज के दिन पर आप लोग सब लोग घर पर बैठे हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको जाना है उस सब्जेक्ट में आप लगातार बहुत अच्छी पढ़ाई करिए, सारा पक्का कर डालिए, अपने सारे नोट्स बना डालिए और हर चीज को समझिए, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप रट्टू तोता हैं तो आप इस फील्ड में, साइंस की फील्ड में जाना मुश्किल हो जाए। फिर आया है एक प्रश्न, मुझे पशुओं का डॉक्टर बनना है क्या करूं? आपको नीट का इम्तहान देना पड़ेगा वेटरनरी साइंस के लिए, और नीट में आप करके उसके बाद वेटरनरी साइंस आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, आप कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी डिमांड होगी, सरकारी नौकरियां भी होती हैं वेटरनरी साइंसेस के लिए,
वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए एज वेल एज अपनी आप प्राइवेट प्रैक्टिस या हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए सारे साइंस के सब्जेक्ट्स में सिर्फ एक कंडीशन है, रोज आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, उसको पसंद करना है, उससे मोहब्बत होनी चाहिए, उसको इतना पसंद करना है कि आप सच में उसको पढ़ना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपसे किसी ने कुछ कहा है, इसलिए क्योंकि आपको शौक है उस सब्जेक्ट। सो अगर आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स इन तीनों का बहुत शौक है तभी आप साइंस में जा सकते हैं। आप किसी ने लिखा है पीसीएम लेकर मैं एक्सरे टेक्नीशियन बन सकता हूं, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है क्योंकि पीसीबी ही चाहिए होता है आपको एक्सरे टेक्नीशियन बनने की, क्योंकि अगर आप शरीर के अंदर की चीजों को ना समझें तो आप कैसे एक एक्सरे ले सकते हैं, आप कैसे इंसान जो बीमार है कहाँ कौन सी बोन है कैसे है उसका कैसे एक्सरे लेना है आप कैसे ले पाए, तो पीसीबी के बिना आप नहीं बन पाए। फिर आ रहा है बैचलर्स इन फार्मेसी, फार्मेसी में बहुत स्कोप है आज के दिन कर, अगर आप फार्मेसी करते हैं मास्टर्स कर लेते हैं एंड स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं देन आपकी फार्मास्यूटिकल दवाइयों की जो इंडस्ट्री है उसमें आपकी बहुत अच्छी डिमांड होगी। इवन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में फार्मेसी के लोगों की डिमांड होती है, क्यों? क्योंकि अगर वो हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य का बीमा करते हैं तो उन्हें बेस का होना फार्मेसी की जरूरत पड़ती है। फिर है लाइफ साइंसेस के बारे में बताएं, तो लाइफ साइंसेस मैंने आपको बताया लाइफ इंसान की भी और छोटे कीटाणु की भी किसी की भी लाइफ हो सकती है, तो उसको समझना कि हम कैसे जीते हैं, हम कैसे सांस लेते हैं, हमारे जीने में क्या क्या जरूरत, क्या हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे होता है। लाइफ साइंसेस करने के बाद आप इसमें जा सकते हैं लाइफ साइंस में कि आप पढ़ाने में भी एजुकेशन सेक्टर में भी जा सकते हैं। फिर आता है आपका लाइफ साइंसेस करने के बाद आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं, आप लाइफ साइंसेस करने के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, आप बायोकेमिस्ट्री में जा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में भी जा सकते हैं, तो ये सब फील्ड्स आपके लिए ओपन हैं। इवन गवर्नमेंट जॉब्स में आप जा सकते हैं लाइफ साइंसेस करके, एंड स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री होती है उसमें भी लाइफ साइंसेस करके आप जा सकते हैं। आपका रोड क्या होगा? रिसर्च, कि हमारे जीवन में हमारे पर्यावरण का, हमारे खान पान का क्या असर होता है, कैसे हमें लॉज बनानी चाहिए या कैसी पॉलिसीज होनी चाहिए जिसकी वजह से हम ज्यादा स्वस्थ रह सकें। सो लाइफ साइंस एक बहुत ओपन सब्जेक्ट है, लाइफ साइंस करने के बाद आप इन सब में स्पेशलाइज कर सकते हैं। ओके, किसी ने पूछा है स्कॉलरशिप्स, तो अगर मैं अभी आपको फिर से शेयर कर रही हूं ये देखिए करियर पोर्टल, इसमें अगर आप देखिए जानकारी केंद्र में ये देखिए छात्रवृत्ति प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी, तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी जानकारी प्रोफेशनल अगर आप डालते हैं और अगर आप डालते हैं अलाइड मेडिकल साइंस, तो जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं ये आपके सामने आ जाती हैं, कब भरनी है, कैसे भरनी है, कहाँ भरनी है, कितना पैसा लगेगा, उसकी क्या तैयारी करनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। किस लेवल की चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जैसे अगर मैं इसमें डाल देती हूँ स्कॉलरशिप, उसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दूं, स्कॉलरशिप ये आपका हो गया, फेलोशिप्स नहीं आएंगे, और ये देखिए अंडर ग्रेजुएट मतलब बैचलर्स डिग्री पर, तो ये देखिए अगर जैसे ये
दलाई लामा सस्कावा स्कॉलरशिप. अब ये जो है लेप्रसी फाउंडेशन के, प्लीज इनवाइट एप्लीकेशन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स सेटल्ड इन लेप्रसी कॉलोनीज. फिर ये अगर आपके लिए नहीं है तो दूसरी विमेन संतूर स्कॉलरशिप, सेतना लोन स्कॉलरशिप, ऐसी बहुत सी स्कॉलरशिप्स हैं. पर आपको स्वयं देखना पड़ेगा कि आप कहां पर फिट करते हैं, आपके लिए कौन सी स्कॉलरशिप बनी है. ठीक है, फिर मेरे पास आया है बीएससी बायो के बाद मेडिकल में जाने के लिए क्या करें. अगेन आपको नीट का इम्तहान तो देना पड़ेगा. अगर बीएससी बायोलॉजी लेंगे तो भी बीएससी बायोलॉजी, बट आपको करने की जरूरत है सच नहीं है. हाँ, बीएससी बायोकेमिस्ट्री करें. अगर आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री करें या लाइफ साइंसेस करें, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी भी करें, तो भी आप जा सकते हैं मेडिकल फील्ड में एंड स्पेशली डायग्नोस्टिक्स में. सो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप बीएससी बायोकेमिस्ट्री करिए, उसके बाद आप बीएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री कर लीजिए, एमएससी मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, उसके बाद आप डिप्लोमा कर लीजिए पैथोलॉजी में या पीएचडी कर डालिए पैथोलॉजी में. अगर बहुत आपको आगे पढ़ने का मन है तो डेफिनेटली आप करिए. एंड आपके आप उसके बाद किसी भी हॉस्पिटल में आपको लाइसेंस मिल सकता है काम करने का. और दूसरी चीज, आप अपनी भी पैथोलॉजी क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आप रिसर्च साइड में जा सकते हैं. अगर आप जेनेटिक्स में जाना चाहें तो जेनेटिक्स में जा सकते हैं. नॉन जेनेटिक्स में भी आपके स्टेम सेल रिसर्च में जाना चाहें, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में चाहें, ड्रग डेवलपमेंट में, वायरोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में, किसी में भी आप जा सकते हैं. किसी ने पूछा है कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्नीशियन में क्या फर्क है. देखिए, टेक्नोलॉजिस्ट, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो बीएससी पास करके जनरली आता है, डिग्री होल्डर होगा. टेक्नीशियन जो है वो डिप्लोमा होल्डर होगा, वो बेसिकली वोकेशनल स्टडीज करके आएगा. ठीक है, सो मैंने मोटा मोटा आपकी सारी क्वेरीज को आंसर किया है. इसके अलावा मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी कि मेडिकल फील्ड में अगर आप सच में कुछ करना चाहते हैं तो आपको उसको पसंद करना, उसको समझना होगा. और शुरू दिन से, ये नहीं कि मैं जब 11वीं में आ जाऊंगा या 12वीं में आ जाऊंगा तब मैं पढ़ाई करूंगा, ये नहीं हो सकता है. वो फिर आप पीछे रह जाते हैं और आपकी पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप नहीं उत्तीर्ण हो पाते हैं, आप नहीं पास कर पाते. तो ये बहुत जरूरी है. इस बीच में एक और हमारे पास प्रश्न आया है. हमने जैसे, इन्होंने फिर से यही पूछा है कि सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल एग्जाम फाइट कितने चांस है. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कितनी पढ़ाई की है, आपने अपने सब्जेक्ट को कितना समझा है, आपने मेहनत कितनी की है, इस पर डिपेंड करेगा कि आप आएंगे कि नहीं. मुझे ये तक पता है कि एक छोटे शहर के रिक्शे वाले का बेटा जो कि सरकारी स्कूल में जाता था, उसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया. तो आपका क्यों नहीं. मेहनत और मानसिक रूप से स्ट्रांग होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है. अपने आप को मानसिक रूप से लगा देना है, ये मेरी ड्रीम है, ये मेरा करियर है. ये बच्चे के अंदर होना है, माँ बाप के अंदर नहीं. आप अगर ये सोचें कि आपका बच्चा पढ़ लेगा क्योंकि आप चाहते हो वो पढ़े, तो नहीं. जब तक आप अपने बच्चे को मोटिवेट, आप देख रहे हैं कि आपके बच्चे के अंदर है काबिलियत, जरूर करवाइए. और वो कर पाएगा ये बच्चा. क्यों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो है किसी सरकारी से है, स्कूल से है या प्राइवेट स्कूल से. डिपेंड करता है कि बच्चे में कितनी काबिलियत है और कितनी मेहनत करने को तैयार है. फिर आया है पैरामेडिकल में ऐसा कौन. ओके मैम, हाउ टू बी अ गायनोकोलॉजिस्ट. सो ये एक यंग लड़की ने लिखा है. पहले आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद एमडी करना पड़ेगा गायनेकोलॉजी.
MBBS करने के लिए पहले नीट इम्तहान देनी पड़ेगी। पहले तो 11वीं 12वीं में आपको साइंस के साथ PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपको पास करना है, अच्छे मार्क्स से पास करना है। क्यों? क्योंकि वो बता देगा कि आपकी कितनी काबिलियत है। फिर आएगा कि नीट में आप पास कर पाते कि नहीं। अगर नीट में पास कर लेते हैं फिर आपको 5 साल MBBS करके, फिर इंटर्नशिप, फिर उसके बाद रेजिडेंसी करके, MD का इम्तहान दे करके, तब आप एक गायनेकोलॉजिस्ट बन सकते। स्पेशलाइजेशन करना चाहें तो वो भी आप कर सकते। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहा होगा। कल रविवार है, आप मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करना इस हफ्ते, और पढ़ाए गए सभी पाठों को दोहराना न भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर हैं अंतरंग अपराजिता फाउंडेशन, यूनिसेफ, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।